नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सभी लोगों को इंतज़ार था कि सीएसआईआर एसओ एसओ जो इतने सालों बाद भर्ती आई है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब मिलने के बाद हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी, आखिर ये सीएसआईआर में कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो नाम इतना बड़ा है ना, सीएसआईआर एसओ एसओ, तो कुछ बच्चे यही नहीं रह जाना है कि क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं कि नहीं। तो जनरल सी बात है कि जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हैं फॉर्म फिल कर सकते, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे सीएसआईआर एसओ और एएसओ की तैयारी करना चाहते हैं वो परीक्षा प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, वहां से आप कोर्सेज से ज्वाइन हो सकते हैं। अभी कोर्स पर ऑफर चल रहा है, किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप जो नीचे नंबर चल रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच आज से ही आपका स्टार्ट हो चुका है तो सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं। डेमो क्लासेस भी आपकी यूट्यूब पर लगा दी गई हैं। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी, सैलरी आपका क्या रहेगा, प्रमोशन कैसे होगा, कहाँ का आपको जॉब मिलेगी, मतलब कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, तो सबसे पहले तो ये जानो कि जो सीएसआईआर है वो किस फील्ड पर काम करता है। तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं कि सीएसआईआर है क्या। आप लोग घबरा रहे हो, जो कुछ लोग नाम सुनकर सीएसआईआर एसओ एएसओ का, तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एस्टेब्लिश इन 1942 में हुआ था। ये एक एटोनॉमस बॉडी है जो गवर्नमेंट किसके अंडर आती है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आती है, ये ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको जो है वही इसको हैंडल करता है। ये ओवरऑल कहा जाए तो किसमें R&D का काम करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में काम करती है, ये ध्यान रखिए, बस आप इतना जानो, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें अगर हम बात करें तो 36 नेशनल में पूरे 36 आपके इसके लेबोरेटरी हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिसर्च के लिए जो लैब है 36 इसके लैब हैं वो ध्यान रखिएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया ये फैली हुई है। आपका लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, बेंगलुरु में भी है, हर जगह है। तो पोस्टिंग भी जहाँ इसके लैब है, जहाँ सीएसआईआर का सेंटर है, वहाँ पर आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर कि जो पोस्ट निकाली गई है इसमें दो प्रकार की पोस्ट है, एक आपका जो है एएसओ का पोस्ट है, एक आपका इसमें जो है एसओ का पोस्ट है, ठीक है। दो पोस्ट हैं, दोनों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि इसमें आप जो भी सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म फिल करेगा, सेक्शन ऑफिसर ये जो जनरल है, अकाउंट वाला हो गया, स्टोर वाला, उसमें ये लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बस कोई तोप नहीं मांगा है आपसे। तो जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, सभी एग्जाम दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। अभी सैलरी वैलरी सब बताऊंगा, जबरदस्त नौकरी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एज लिमिट आपकी 33 साल तक है, ठीक है, तो सबके सब इसमें आ जाओगे 33 साल वाले में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप ग्रेजुएट ही मांगा गया है और इसकी भी एज लिमिट सेम है, ठीक है। अब हम बात करें कि इसका टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। देखो इसमें जैसे जनरल हो गया, एसपी का मतलब स्टोर एंड परचेज हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंट में ये आपके सेक्शन ऑफिसर और एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आई है। तो आपको बाकी चीजें पता ही है कि पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री होगा, ठीक है। 150 का पेपर वन होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस, और इंग्लिश आपका आएगा जिसे 100 क्वेश्चन आपका जनरल का अवेयरनेस का रहेगा, 50 आपका इंग्लिश का रहेगा, और बाकी आपका इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मतलब मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग, उसके बाद से एथिक्स के, मैनेजमेंट के, इन सब के आपके क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 200 यहाँ पर 2 मार्क्स का रहेगा ये। फिर थर्ड पेपर आपका जब होगा ये डिस्क्रिप्टिव होगा, जब आप दोनों पेपर में मार्क्स पा जाओगे उसके बिहाफ पर थर्ड पेपर के लिए आपको बुलाया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव होगा 150 का, ठीक है। एसओ के लिए इंटरव्यू है, ये ध्यान रखिएगा। एसओ वाले पोस्ट के लिए आपका क्या है, इंटरव्यू है, ये ध्यान रखिएगा, और एएसओ के लिए इंटरव्यू नहीं है। एएसओ के लिए क्या है, एएसओ के लिए आपका लास्ट में एक सीपीटी टेस्ट है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, बस बेसिक सा। तो
कि कंप्यूटर आपको चलाने आता है कि नहीं, वर्ड एक्सेल मतलब थोड़ा सा ये चीजें आती हैं कि नहीं, वो है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग है, इसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो वही चीजें आपको दिया गया है, तो आपको अगर इस पैटर्न पे तैयारी करना है तो टीम के द्वारा पूरा कोर्स चलाया जा रहा है। आप परीक्षा प्लस ऐप या live.parikshaplus.org से जाकर कोर्स से जुड़ सकते हैं, अभी लेट नहीं हुआ है, ऑफर भी चल रहा है top 100 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहां पर आते हैं, सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपको जरूरी है, जो आप चाहते हो कि सैलरी क्या होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात, सब कुछ सही है सर जी, सैलरी बताओ पैसा कितना मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा कि नहीं। तो भैया देख लो, आपके जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, यहां पर जो सेक्शन ऑफिसर है आपका ग्रुप बी का, यहां पर है पे लेवल 8 है, और 47,600 ये जो देख रहे हो आप, ये बेसिक लिखा रहता है, ये पे मैट्रिक्स का 47,600 लेके 1,51,100 रुपया तक आपका बेसिक, आपके जीवन काल तक जब तब आपका रहेगा वो बढ़ेगा इसी हिसाब से। अब यहां पर बेसिक आपका जो होगा वो 47,600 होगा, गवर्नमेंट में आप 46% डीए कर दिया है 42 से। ठीक है, तो 21,896, मैं मोटा मोटा जोड़ रहा हूं, मैं और भी अलाउंसेस जो होंगे वो नहीं जोड़ रहा हूं, एक मोटी मोटी रकम जो जोड़ना कहा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। 21,896 तो खाली आपका डीए हो गया, समझ लो एक प्राइवेट जॉब में जो मिलता है लोगों को पैसा, वो सिर्फ आपको डीए मिल रहा है। फिर एचआरए की बात करें तो एचआरए वेरी करता है, 9% से लेकर टोटल 27% तक, 9 होता है, 18 होता है ऐसे। ठीक है, तो मिनिमम का 9% अगर आपको मिलता है, सिटी टू सिटी वेरी करता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा इसमें एचआरए अच्छा ही मिलेगा, 4,284 से लेकर 12,850 मान लो इसके बीच में ही आपको मिलने वाला है। तो आपको जो टोटल सैलरी बनेगी, अभी मैंने और कोई अलाउंस नहीं जोड़ा है, सिर्फ डीए बेसिक और एचआरए जोड़ा है। ठीक है, मेडिकल हो गया, और भी चीजें मिलती हैं तो वो सब छोटा मोटा आप छोड़ दो, बिना उन सबको जोड़े आप कहाँ पहुंच गए, 73,000 से लेकर आपका रेंज कहाँ हुआ, 82K तक आप पहुंच गए। ठीक है, 82K तक की सैलरी आपकी, अभी और कुछ नहीं जोड़ा गया। अगर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर एनपीए कटौती कर दिया जाए, 10% आपका किसका जाता है, आपका बेसिक और डीए मिला के जाता है, तो ये 6,000 सिर्फ, हाँ बेसिक और डीए मिलाकर जाता है, तो ये आपका ऑलमोस्ट, ये ध्यान रखो कि इसका 6,950 और डीए 47, और ये ज्यादा आपका होगा, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि जो सैलरी आपकी बनेगी यहाँ पर 6,950, तो आपकी इसकी 10% होगा। ठीक है, इसका दोनों को मिलाकर 10% काटा जाता है, तो ठीक ठाक जाने के बाद भी इन हैंड आपको सैलरी जो है 78 के अप्रोक्स मिलेगी, 78 से 80 मान सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने और तो अलाउंसेस नहीं जोड़ा ना, तो ये ध्यान रखो कि ओवरऑल आपकी अगर मैं सैलरी की बात करूं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं सब कुछ काटने पीटने के बाद यहाँ पे 80 के तो आपका कहीं नहीं गया, ये ध्यान रखिएगा, 80 के आपका नहीं गया है, ये ध्यान रखिएगा। 7-8 हजार मान के चलो कि ये आपका एनपीए कट जाता होगा, जो भी आपका होगा 10% शायद होता है वो कट जाता है, उसके बाद से और भी कुछ कटौती होंगी, ऐसा है कि पैसा जब पा रहे हो तो इनकम टैक्स के कैटेगरी में भी आओगे तो वो भी काटेगा, तो ऑलमोस्ट, और लेकिन कुछ और अलाउंसेस मिलेगा भी ना, तो वही मैंने कहा कि ऑलमोस्ट इतना मान के चलो कि आप 75 से 80 के रेंज में वैरी करोगे, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने अलग अलग इसके अलाउंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ 70 से 80 लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, और उसमें जब जोड़ोगे तो आ ही जाएगा। अब आपका वर्क क्या रहेगा, ठीक है, वर्क, क्योंकि सबका सैलरी एकदम एग्जैक्ट बताना ये मुश्किल है। ठीक है, आपको एक क्राइटेरिया में ही बताया जा सकता है, मेन जो बेसिक है, डीए है और एचआरए है, वो मैंने आपको बता दिया जो ग्रॉस आपका बनेगा, बाकी जो कटौती होगी आपको और एक्स्ट्रा मेडिकल के टर्म में और भी जो चीजें मिलेंगी वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वर्क क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्य का वितरण आपके करने जिम्मेदारी रहेगी, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन कार्य आपका रहेगा। फिर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, कार्य का प्रबंधन एवं देखना होगा, सेक्शन ऑफिसर इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द सेक्शन, अनुभाग में अनुशासन बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी, मतलब ये पूरा सेक्शन जो आप देख रहे होंगे उस सेक्शन को समझ लो आपको क्या करना है, जैसे प्रमोशन वाला सेक्शन मिल गया किसी इंडस्ट्री में, तो आप उसके पूरे के पूरे
हर कार्य का जिम्मेदारी आपके ऊपर होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसमें जितने भी वर्कर आपके नीचे हैं वो सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, आपको अपने सीनियर को, जब आपका प्रमो जैसे आपका सेक्शन ऑफिसर है तो सेक्शन ऑफिसर जो है किनको सीनियर को रिपोर्ट करेंगे, तो वो सभी आपको करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द स्टाफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क एंड इंश्योरेंस ऑफ लेटर, कर्मचारियों के बीच कार्य का वितरण, वही मैंने बताया प्रबंधन एवं कार्य का समन्वय एवं पत्र जारी करना, कुल मिला के ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। आपको बस बैठ के ऐसा नहीं कि काम नहीं है, आपको कार्य भी है, आपको अपने सेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं कि जो भी कार्य आया है उसको सभी को अलग अलग बांट देना, आप में सहायता करेंगे, ASO आपके कई रहते हैं जो आपकी सहायता में रहेंगे, ठीक है, तो उन्हीं के कार्य को आपको देखना रहेगा, उनकी रिपोर्ट अपने सीनियर तक देना रहेगा। यही चीजें एक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, जब आप वहां पहुंच जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। प्रमोशन क्या है ये ध्यान रखिए, प्रमोशन में अगर हम बात करें तो ये आपके CSIR का ही एक पूरा बुकलेट था, उसी में से मैंने ले आया है। अब यहाँ पर सबसे नीचे का जो पद होता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट होता है, जो JSA मैक्सिमम एग्जाम में आप लोग देखते होंगे निकलता है, टाइपिंग वाली जॉब होती है जो क्लर्क बेस्ड होता है, ठीक है, क्लर्क बेस्ड होता है। उसके बाद आता है SSC, अभी आपके देखे होंगे KVS में भी निकला था सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसमें क्या मांगता है, थोड़ा एक्सपीरियंस मांगता है कि आप अगर एज ए JSA कहीं काम किए हो तो ये प्रमोशन के पद से और एक्सपीरियंस के पद पर बनता है बंदे, ठीक है, जो इनका भी एग्जाम होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है लेकिन एक्सपीरियंस मांगता है। फिर आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसकी पोस्ट निकली है तो इसका रिक्रूटमेंट हो रहा है, देख रहे हो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो ये ASO वाले अब कहाँ जाएंगे, ASO वाले जाते हैं सेक्शन, इन सब का भी निकलता है, ऐसा नहीं है कि जूनियर सेक्रेटरी का नहीं लगता है, SSA का नहीं निकलता, इनकी भी वैकेंसी आएगी, जाहिर सी बात है अभी SO और ASO आया है तो आने वाला ये भी वैकेंसियां आएंगी। अब सेक्शन ऑफिसर ASO आपका क्या बनेगा, फिर सेक्शन ऑफिसर बनेगा, फिर अंडर सेक्रेटरी, ऊपर प्रमोशन में जाओगे तो डिप्टी सेक्रेटरी, और डिप्टी के बाद सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद से ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, मतलब जहां तक जाना है वहां तक मैंने लिखा है, ठीक है, इसमें आपका यहां तक मैंने लिख दिया कि डिप्टी के बाद सीनियर, उसके बाद से आपके होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, ठीक है, उसके बाद एडिशनल होता है, फिर सेक्रेटरी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रमोशन का आपका क्रम रहेगा, इतने में ही समय निकल जाएगा, बहुत है। अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखो कि इनका जो है बेसिक पे 44,900, बहुत ज्यादा कम नहीं है, आपने 47 के पास देखा, यहाँ 3,000 का डिफरेंस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, 3,000 का डिफरेंस रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग एचआरए ओचआरए भी वेरी करेगा। तो 44,900 आपका क्या है बेसिक पे है, 20,650 आपको क्या मिल रहा है, डीए मिल रहा मिलेगा 46% के सामने, और एचआरए आपका यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, वो आपका 44,900 से के अकॉर्डिंग आपका रहेगा परसेंटेज वाइज। ओवरऑल अगर हम बात करें, कटौती मान के छोड़ दो, आपका NPS आप पेंशन वाला छोड़ दो, तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो ऑलमोस्ट 70K से लेकर 77K तक आएगी, लेकिन अब इसमें NPS भी कटेगा आपका, इनकम टैक्स भी कटेगा आपका, ठीक है, प्लस कुछ मेडिकल अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, कुछ और अलाउंसेस मिलेंगे, तो कटने पिटने के बाद आपको जो सैलरी बनेगी वो ऑलमोस्ट ये 65 से लेकर 75 के रेंज में बनेगा। अब मैं इतना बड़ा रेंज क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो HRA है वो सिटी टू सिटी, अब जैसे जो बंदा बैंगलोर में है और जो बंदा लखनऊ में है, उनके HRA में डिफरेंस रहेगा, समझ रहे हो आप, ठीक है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो 65-66 से लेकर ये 66-67 से लेकर आप मान के चलो कि 75 तक का आपका सैलरी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो अच्छा खासा है ऑलमोस्ट, अब मिडिल हम मान के चलें तो 70K के उपरोक्स आपका सैलरी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, 70K+ ही रहेगा सब कुछ जुड़ने के बाद, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो यहाँ देख ही लिए हो आप, 70 पहुंच रहा है तो ऑलमोस्ट इतना ही पहुंच जाएगा कटने और एडिशनल चीजें ऐड होने के बाद, ठीक है। तो सैलरी आप देख रहे हो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि हाँ 20 या 25 हज़ार की जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, ठीक है। अब ASO में आपका करना क्या है, थोड़ा सा आपको कंप्यूटर का इसीलिए नॉलेज मांगा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैंडलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द डिपार्टमेंट, विभाग के भीतर प्रशासनिक कार्य का संचालन और समन्वय करना है आपको, ठीक है, जो भी आपका विभाग मिलेगा एज ए
उसके अंदर जो भी आपको कार्य आपके सेक्शन ऑफिसर देंगे उनको सही से करना है, करवाना है अपने नीचे वालों से, जो आपके SSC होते हैं, JSC होते हैं, इनसे कार्य सही से। साथ ही साथ उसको देखना है ड्राफ्टिंग, प्रिपेयरिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट, आधिकारिक दस्तावेज और रिपोर्टों का मसौदा तैयार करना है आपको, पूरा उसका रिपोर्टिंग तैयार करना है अपने, क्योंकि आप सीनियर को रिपोर्ट करोगे, एज ए सेक्शन ऑफिसर को जो भी कार्य दिया गया तो आपने पूरा बनाया विधिवत एज अ ऑफिशियल लेटर पूरा बना के अपने सेक्शन ऑफिसर को ले जाओगे। सेक्शन ऑफिसर उसमें और कुछ अपना जोड़ेगा, घटाएगा, बताएगा, फिर अपने को आगे वाले को, डिप्टी वाले को फॉरवर्ड करेगा। मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स, मतलब कि कार्यालय रिकॉर्ड और फाइलों को प्रबंधित और व्यवस्थित करना होगा, जो भी फाइल है किसी भी चीज से रिलेटेड उनको सही रूप से आपको रखना है, जब भी जरूरत पड़े तो आपको वहां पर उपलब्ध कराना है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट, विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि कुछ बच्चे पूछते हैं सर ASO क्या क्लर्कियल जॉब है? नहीं, ये क्लर्कियल नहीं है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब एक सहायक हो आप सेक्शन ऑफिसर के, ठीक है। तो उन्होंने कहा, कलम चला दिया कि भैया ये चीज आप सही करके ले आओ, इस रिपोर्ट में ये गड़बड़ है। आप गए, आप भी आप खुद थोड़ी उसको करोगे, बहुत छोटा मोटा होगा कर लोगे, नहीं तो कहोगे आप, आपके नीचे जो जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट बचे हैं उनसे आप कराना है आपको, बस आपको कराना है ये ध्यान रखिए। लेकिन उन चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ फाइल है तो आपको मेल करने आना चाहिए, ये सब चीजें आना चाहिए, इसीलिए आपको थोड़ा सा इसमें CPT नॉलेज पूछा है, ठीक है, ये ध्यान है। बैठकों का आयोजन कराना आपका होगा, जैसे मान लो डिपार्टमेंट में जितने भी आपके ऑफिसर हैं, ऑफिसर अगर उनका लेना चाहते हैं, मतलब एक तरह से मीटिंग लेना चाहते हैं हॉल में, तो वहां पे आपको, आपकी जिम्मेदारी है ASO की कि जितने भी आपके नीचे से जो मतलब पद हैं उनके जो कार्यरत लोग हैं उनको, साथ में जितने भी और अधिकारी हैं उन सभी को एक साथ इकट्ठा करके हॉल में ले जाना, ये सब कार्य आपकी जिम्मेदारी होती है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का ये भी कार्य होता है। प्रमोशन तो सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया कि ASO है तो सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, फिर उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो बच्चे ये ध्यान रखिएगा, जिनको भी एग्जाम की तैयारी करनी है वो परीक्षा प्लस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या live.parikshaplus.org पे जाओगे तो यहाँ कोर्सेस में जाओगे तो ये आपको CSIR ASO का कोर्स दिखेगा जो अभी ऑफर पे चल रहा है, 1178,999 प्लस GST। टॉप 100 स्टूडेंट मतलब जो पहले 100 स्टूडेंट आएंगे उनके लिए ये प्राइस है, जैसे ही 100 काउंट प्लस होगा प्राइस इसकी बढ़ जाएगी। इसमें हम आपको वीडियो क्लासेस दे रहे हैं, स्टडी पूरा नोट्स दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रहेगा, और हमारे यहाँ आप जानते हैं पूरा जो सिलेबस में रहता है उसी के अकॉर्डिंग क्लास चलाई जाती है। ये कई सारे बैचेस के आपने रिजल्ट भी देखे होंगे, अभी रिसेंट में कई सारे बैच एग्जाम हुए हैं, वहाँ पे बच्चों ने खुद दिया है, जाके अपना व्यू की देख लीजिए कि कैसे हमने ही उनको पॉइंट टू पॉइंट जैसे सिलेबस था वही पढ़ाया था, सेम एज इट इज आपको भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि समय नहीं है फालतू चीजें पढ़ाने का। उसके बाद से आपको सेक्शनल टेस्ट इसमें रहेगा और प्रॉपर गाइडेंस आपके फैकल्टी के द्वारा मिलता रहेगा। जो लोग इच्छुक हैं वो जाके परीक्षा प्लस एप्लीकेशन और वेबसाइट से एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस इसके स्टार्ट हो चुकी हैं, डेमो क्लास देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां से डेमो क्लास दे सकते हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।